स्ट्रीट 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ MCQs हैं उनको हम सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है, मांग में विस्तार से क्या तात्पर्य है। तो मांग में विस्तार का मतलब किससे होता है हमारा, मांग वक्र पर चलन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चाहे वो मांग में विस्तार है चाहे मांग में संकुचन होता है, दोनों का संबंध किससे होता है, मांग वक्र पर चलन पर। और जब मांग में वृद्धि होती है या कमी होती है तो हमारा मांग वक्र क्या हो जाता है, उससे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जब दो वस्तुओं के उपभोग में उनके सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन, मूल्यों में हुए परिवर्तनों के कारण होता है लेकिन उनकी जो उपयोगिता है वो समान होती हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में अगर सापेक्षिक परिवर्तन से लेकिन उपयोगिता की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती हैं, समान रहती है। नेक्स्ट हैं, स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता किधर स्थिति परिवर्तन करता है। जो स्लट्सकी की अगर हम बात करते हैं तो स्लट्सकी का जो प्रतिस्थापन प्रभाव उसमें क्या बताया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होती है तो कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता उस वस्तु की पहले जो मात्रा खरीद रहा था वो मात्रा खरीद सकता है, ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में उपभोक्ता जो होता है वो स्लट्सकी के अनुसार पूछा हुआ इसलिए ऊँचे उदासीनता वक्र पर पहुँच जाता है। ठीक है, स्लट्सकी का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसमें उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है, जबकि हम हिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रतिस्थापन प्रभाव में उसी तटस्था वक्र पर बना रहता है। नेक्स्ट हमारा है, पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच होगी, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनमें क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूरक वस्तुओं की बात करते हैं तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जो साथ साथ प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल और कार, तो अब इनमें क्या होता है, एक वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो दूसरी वस्तु की जो मांग होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसलिए मांग की आड़ी लोच कैसी हो गई है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्पादन के साधनों द्वारा कार्य के समय महसूस होने वाली तकलीफ, थकान, त्याग तथा एकरसता को कहते हैं। ठीक है, पेन जब हम बात करते हैं कॉस्ट की तो ये कौन सी कॉस्ट में इंक्लूड होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, वास्तविक लागत, जो रियल कॉस्ट होती हैं उसमें हम तकलीफ, काम करने के बदले जो तकलीफ होती है, थकान, त्याग, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम मुद्रा के द्वारा नहीं माप सकते हैं, उन सबको वास्तविक लागत में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, कोब डगलस उत्पादन फलन में दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच का मूल्य क्या होता है। कोब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के दो साधन लिए जाते हैं, पूंजी और श्रम, इनके बीच में जो प्रतिस्थापन की लोच हैं उनका योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की स्थिर लागत की वृद्धि अल्पकाल में उत्पादन व मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करेगी। पूर्ण प्रतियोगिता की बात की गई है और दूसरा अल्पकाल है, अब इसमें फर्म जो है वो स्थिर लागत की अवस्था में कार्य कर रहे हैं, अगर स्थिर लागत में वृद्धि होती है तो उत्पादन और मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात की जाती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन और मूल्य जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, ये सीमांत लागत और ये संतुलन की स्थिति होती हैं। ठीक है, अब यदि स्थिर लागत में अगर वृद्धि हो जाती है तब भी अल्पकाल की अगर हम बात करते हैं तो कीमत O से लेकर P और उत्पादन की मात्रा O से लेकर Q स्थिर रहेगी। तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, उत्पादन तथा मूल्य दोनों स्थिर रहेंगे, आउटपुट एंड प्राइस बोथ रिमेन सेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक एकाधिकारी उत्पादन की प्रत्येक इकाई को अलग कीमत पर बेचने में समर्थ होता है तो इसे कहते हैं। एक एकाधिकारी है, वो उत्पादन की प्रत्येक इकाई को अलग-अलग कीमत पर बेच सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम कोटि का कीमत विभेद, ठीक है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पेरेटो की सीमांत शर्त के लिए आवश्यक है कि उत्पादन का संयोग इस प्रकार हो कि वस्तुओं के मध्य डैश उन्हीं दो वस्तुओं के मध्य के बराबर हो। मतलब पेरेटो की सीमांत शर्त की बात की गई है, तो इसमें दो वस्तुओं के बीच में जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है MRTS, वो वस्तुओं की जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होने चाहिए, ठीक है? इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से कौन सा क्षतिपूर्ति सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपेंसेशन क्राइटेरिया? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए कार्डोर एवं हिक्स का जो सिद्धांत है वो क्षतिपूर्ति सिद्धांत है, सिटोवस्की का जो सिद्धांत है वो भी है, और लिटिल का जो सिद्धांत है, तीनों हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नव कल्याण अर्थशास्त्र को यह भी कहते हैं। नव कल्याण अर्थशास्त्र की बात की गई है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब देखिए, अगर न्यू वेलफेयर क्लासिकल इकोनॉमिक्स अगर होता, नव प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में पूछते हैं तो उसको हम मार्शल का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नव कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात की गई है, इसलिए हिक्स और कार्डोर के जो मॉडल आते हैं, लिटिल सिटोवस्की के जो सिद्धांत, ये सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति सिद्धांत, द कंपेंसेशन क्राइटेरिया जो है वो नव कल्याण अर्थशास्त्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय श्रेष्ठ का सिद्धांत इसलिए लागू होता है क्योंकि परेटो अनुकूलतम की सभी शर्तें पूरी होती हैं या पूरी नहीं होती हैं, काल्पनिक हैं या कल्याण के विरुद्ध हैं, ठीक है? जो सेकंड बेस्ट थ्योरी हैं वो क्यों अप्लाई होती हैं, क्यों लागू होती हैं? क्योंकि परेटो की जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं, परेटो की जो ऑप्टिमेलिटी की शर्तें हैं, वो एक तरह से पूरी नहीं होती हैं। सभी शर्तों को जब पूरा करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में सेकंड बेस्ट थ्योरी जो है, द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। योग करने जोड़ने की समस्या संबंधित हैं। एडिंग अ प्रॉब्लम इज एसोसिएट विथ आयलर प्रमेय से संबंधित हैं, या फिर एरो प्रमेय से, या फिर कोब डगलस प्रमेय से, या फिर कॉस प्रमेय से। तो जो योग प्रमेय है वो किससे संबंधित हैं? यूलर प्रमेय, या हम कह सकते हैं आयलर प्रमेय से संबंधित है। फर्स्ट हमारा जो है ऑप्शन वो सही होगा। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय एकाधिकारी किसे कहते हैं? बाइलेटरल मोनोपोली की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो किसी कमोडिटी का जो सेलर है वो भी एक है, और उसको परचेस करने वाला जो बायर है वो भी क्या होना चाहिए? एक सिंगल, ठीक है? तो सिंगल मतलब एक विक्रेता और एक क्रेता की स्थिति को हम क्या कहेंगे? द्विपक्षीय एकाधिकार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो सेकंड है, सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर की जो कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल मोनोपोली। नेक्स्ट है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। NNPH फैक्टर कॉस्ट की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शन हैं। NNP फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमको, ठीक है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, अगर हम NNP मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, या फिर अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स को, और प्लस क्या कर दें? सब्सिडी। अब तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, बाजार मूल्य पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हैं NNP मार्केट प्राइस में से माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान,
सेकंड ऑप्शन देखिए क्या था, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पूछा हुआ, पहले से दे रखा है यहाँ पर, तो माइनस हमको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं करना पड़ेगा इसमें। अगर यहाँ पे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता तो उसमें से अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाते तब भी हमारे पास में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही आता, लेकिन यहाँ पर साधन लागत लिखी हुई और ऊपर क्या लिखा हुआ है, बाजार मूल्य, इसलिए हमने क्या किया, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, और अप्रत्यक्ष कर माइनस प्लस अनुदान जो है यहाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की माप अधूरी है क्योंकि इसमें इसका समावेश नहीं होता है, नेशनल इनकम मेजरमेंट जो है वो इनकम्प्लीट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो देखिए ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं, हस्तांतरण भुगतान होते हैं, उनको तो इंक्लूड करते ही नहीं, क्योंकि इनके बदले में कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है, नई इनकम का जनरेशन नहीं होता है, नई आय का निर्माण नहीं होता है, जो कैपिटल गेंस होते हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जो गैर विक्रय योग्य वस्तुएं और सेवाएं हैं, ठीक है, जिनका लेन देन मार्केट में मनी मुद्रा के रूप में नहीं हुआ है, लोग क्या करते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, अगर गांव में देखते हैं हम कि एक वस्तु के बदले में वो दूसरी वस्तु का लेन देन कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो लेन देन होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाता है, इसलिए राष्ट्रीय आय का जो माप है वो सही से नहीं हो पाता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा किन्स की निरपेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा किन्स की निरपेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित नहीं है, ये हमको बताना है। क्या क्या ऑप्शन है, आय बढ़ने के साथ साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती हैं, यह मानव स्वभाव और ज्ञान पर आधारित है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक इसको हम कह सकते हैं, तो ये दोनों सही हैं, मनोवैज्ञानिक नियम भी हैं, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है उसका मूल्य शून्य से अधिक होता है लेकिन एक से कम होता है, शून्य से एक के बीच में होता है, ये भी सही है, तो हमारा जो गलत पूछा हुआ था इसमें, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि आय बढ़ने के साथ साथ में औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, घटती हैं, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बढ़ती हैं। नेक्स्ट हमारा है, ड्यूजेनबेरी की सापेक्ष आय परिकल्पना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ड्यूजेनबेरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है उसके बेसिस पर हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है, लोग अपने धनी पड़ोसियों की नकल करते हैं, तो ये बिल्कुल ड्यूजेनबेरी परिकल्पना ही है कि लोगों का जो उपभोग होता है वो अपने पड़ोसियों के उपभोग पर निर्भर करता है, फिर दूसरी चीज़ इसमें लिखी हुई है कि धनी व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, ये गलत है, ड्यूजेनबेरी परिकल्पना वो क्या कहते हैं, धनी व्यक्तियों की जो औसत प्रवृत्ति है, औसत उपभोग प्रवृत्ति APC, वो एक तरह से गरीब लोगों की तुलना में क्या होती हैं, कम होती है, गरीबों की APC क्या होती हैं, अधिक होती हैं, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं अंतर्निर्भर हैं, ये भी सही है, और फिर आय के सापेक्षिक अंतर उपभोग व्यय का निर्धारण करते हैं, हमको पूछा हुआ था कौन सा कथन असत्य है, सेकंड ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना से संबंधित नहीं है, ऑप्शन हमारे पास में है, संक्रमणकालीन आय, ट्रांजिटरी इनकम है, ट्रांजिटरी कंजप्शन है, संक्रमणकालीन उपभोग है, सापेक्षिक आय और स्थायी आय, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, सापेक्षिक आय, क्योंकि जो फ्रीडमैन था उन्होंने आय और उपभोग को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें से एक हमारा क्या था, परमानेंट था, और दूसरा था ट्रांजिटरी, ठीक है, संक्रमणकालीन था, तो संक्रमणकालीन आय और संक्रमणकालीन उपभोग तथा तीसरा स्थायी आय, ये तीनों स्थायी आय परिकल्पना जो फ्रीडमैन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी उससे संबंधित हैं, सापेक्षिक आय जो हैं वो फ्रीडमैन की अवधारणा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है,
जीवन अवधि सिद्धांत के अनुसार जीवन के आरंभ में एक व्यक्ति की औसत आय होती है। तो जीवन अवधि सिद्धांत जो हमारा है मोदी गिलानी के द्वारा दिया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो औसत आय होती हैं वो एक तरह से सापेक्ष रूप से क्या होती हैं, कम होती हैं। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट। फिर जीवन के मध्यवर्ती वर्षों में वो अधिकतम हो जाती हैं और जीवन के अंतिम वर्षों में वापस उनमें घटने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, स्वायत्त विनियोग किस पर निर्भर करता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो किस पर निर्भर करता है, तो स्वायत्त उपभोग क्या होता है, जो आय की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, आय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की विभिन्न मात्राओं पर वो स्थिर होता है। मुख्य रूप से वो किससे प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर जो तकनीकी उन्नति होती है, इन दोनों से प्रभावित होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, बोथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा को समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। उच्च शक्तिशाली मुद्रा, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, जो रिजर्व बैंक है उसकी सारी जो लाइबिलिटीज होती है, देयता होती हैं, उनको हम कैसे ले सकते हैं फॉर्मूले में, जो करेंसी लोगों के पास में होती हैं और दूसरा बैंकों के पास में जो रिजर्व रखे जाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, H इक्वल टू क्या होगा, CP+R, जिसमें CP का मतलब क्या है, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास में जो करेंसी हैं और बैंकों के पास में जो रिजर्व होते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा आ जाएगी। नेक्स्ट है, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में प्रति 3% वृद्धि होने पर बेरोजगारी की जो दर है वो 1% कम होती हैं। तो ये जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया, इसको हम क्या बोलते हैं, ओकुन का नियम। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा हिक्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, विस्फोटक चक्र की जो बात है वो किसने की थी, प्रोफेसर सैमुएलसन ने की थी। बाकी जैसे सेलिंग फ्लोर फर्श हैं, उच्च सीमा है, निम्न सीमा है और स्वायत्त निवेश की जो स्थिर दर की बात की गई है वो प्रोफेसर हिक्स ने अपने व्यापार चक्र के सिद्धांत में दी हैं। नेक्स्ट हैं, विकास का लुइस का सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी, आधुनिक क्षेत्र का अस्तित्व, श्रम की सीमित पूर्ति, जीवन निर्वाह कृषि। तो देखिए, विकास का जो लुइस या लेविस का जो सिद्धांत है तो उसमें बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में जैसे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है और साथ में आधुनिक क्षेत्र का जो सह अस्तित्व है, तो ये जो बेरोजगारी व्यक्ति हैं उनको हटा के इस क्षेत्र में लगाना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में लगाना चाहिए, और जीवन निर्वाह कृषि की उन्होंने बात की थी। लेकिन श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, विकास का जो लुइस मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं, श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत, जबकि यहाँ पर क्या है, श्रम की सीमित पूर्ति। इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हेरोड ने उच्चतम प्राप्त करने योग्य वृद्धि दर को क्या कहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट रेट है उसे हेरोड क्या कहते हैं, स्वाभाविक वृद्धि दर कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, डोमर के विनियोग के आय प्रभाव को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। डोमर के विनियोग के आय प्रभाव को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, डोमर का जो मॉडल है उसके अनुसार निवेश करने से आय पर जो प्रभाव पड़ेगा, आय में जो वृद्धि होगी उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। तीसरा, डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है, I/S (Δi). नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा हेरोड का स्वर्ण युग संतुलन मॉडल है। गोल्डन एज इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, जो
वृद्धि दर हैं, अभीष्ट वृद्धि दर हैं, वास्तविक वृद्धि दर हैं और प्राकृतिक वृद्धि दर है, तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, GY इक्वल टू GW इक्वल टू GN। ये हमारे अभीष्ट वृद्धि दर हैं, ये प्राकृतिक वृद्धि दर और ये हैं वास्तविक वृद्धि दर। ये जो तीनों बराबर होती हैं उसको हेरोड क्या कहता है, स्वर्ण युग संतुलन। कालडोर के सिद्धांत में तकनीकी प्रगति किस पर निर्भर करती हैं? तो कालडोर का जो सिद्धांत, उसमें तकनीकी प्रगति है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, पूंजी निर्माण की जो दर होती हैं। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की जो दर हैं वो बढ़ती हैं, तो उसके साथ में उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। व्युत्पन्न मांग का अर्थ है, व्युत्पन्न मांग का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की जो मांग है अगर वो बढ़ जाती हैं तो उन वस्तुओं का उत्पादन करने के जो साधन हैं उन साधनों की मांग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए व्युत्पन्न मांग हम किसे कहते हैं, उत्पादन के साधनों की मांग को कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है, एंजल वक्र दर्शाता है उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुओं की मात्राओं को आय के विभिन्न स्तरों पर। ठीक है, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की कितनी मात्राओं को क्रय किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, आय के विभिन्न स्तरों पर। नेक्स्ट है, स्लिट्स्की स्थानापन प्रभाव में आय में कमी या वृद्धि का कारण है। तो स्लिट्स की जो है वो क्या कहता है, अपना जो स्थाना प्रभाव उसको समझाने के उसने लागत अंतर लिया है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, लागत अंतर। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का किसी वस्तु के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की बात की कि अल्पकाल में, तो फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो सीमांत लागत का ऊपर बढ़ता हुआ भाग होता है, जो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र से ऊपर होता है। जैसे ये हमारा औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है और ये हमारा सीमांत लागत वक्र है, तो फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वो कौन सा होता है, ये वाला भाग, जो सीमांत लागत का जो भाग एबीसी वक्र से ऊपर स्थित है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, सेकंड, सीमांत लागत का ऊपर बढ़ता हुआ हिस्सा जो एबीसी वक्र के ऊपर स्थित हो, वही क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। परेटो अनुकूलतम तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने में मुख्य बाधा हैं। पहला हमारा इसमें है अपूर्ण प्रतियोगिता का पाया जाना, है बिल्कुल सही है। मतलब अर्थशास्त्री क्या बताते हैं कि जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता परेटो अनुकूलतम प्राप्त करने में सहायक होती है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो बाधा होती है। अगर जो एक्सटर्नलिटीज हैं, बाह्यताएं अगर पाई जाती हैं तो इससे भी परेटो अनुकूलतम अधिकतम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो ये भी बाधा है। सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं वो भी एक तरह से अधिकतम सामाजिक कल्याण में बाधा होती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, निरपेक्ष आय परिकल्पना जो है उसका संबंध किसके साथ में है, किन्स के साथ में है, जबकि सापेक्ष आय परिकल्पना है उसका संबंध किसके साथ में है, जेम्स ड्यूजनबरी। इसलिए हमारा सबसे पहले क्या आना चाहिए, सेकंड, फिर क्या आना चाहिए, फर्स्ट। स्थायी आय परिकल्पना जो है वो मिल्टन फ्रिडमैन की है और जीवन चक्र परिकल्पना जो है वो है एंडो एवं मोदिग्लियानी की है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2143, 2143 मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है, उच्च स्त्री मुद्रा के लिए गलत कथन है, उच्च स्त्री मुद्रा बैंक जमाओं के विस्तार और मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार है। सही है बिल्कुल।
नेक्स्ट है, यह जनता के पास करेंसी और कमर्शियल बैंक के पास आरक्षितों के रूप में विद्यमान है। ये भी सही है क्योंकि हाई पावर मनी जो होती है उसमें हम क्या लेते हैं, सी प्लस बैंकों के पास में जो रिजर्व होते हैं, या हम कह सकते हैं करेंसी विद पब्लिक। तो सी पी प्लस आर जो है वो एक तरह से क्या होती है, उच्च स्तरीय या उच्च शक्तिशाली मुद्रा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय मुद्रा की मांग मुद्रा पूर्ति से विपरीत संबंध है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा तीसरा, उच्च स्तरीय जो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में विपरीत संबंध नहीं होता है। दोनों में किस प्रकार का संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट है, मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणांक क्या दर्शाता है, तो मुद्रा की पूर्ति और जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है उन दोनों के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, मुद्रा गुणक कहते हैं, मुद्रा गुणांक कहते हैं, एम अपॉन एच हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या है, मुद्रा की पूर्ति है और एच का मतलब क्या है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति के बीच में संबंध को क्या कहा जाता है, मुद्रा गुणांक, मनी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है, सेमुलसन के व्यापार चक्र मॉडल में जब मूल्य अल्फा इक्वल टू कितना है, 0.5 और बीटा इक्वल टू कितना है, 3 है, तब हमारे जो व्यापार चक्र की स्थिति होगी वो किस प्रकार की होगी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, विस्फोटात्मक चक्र, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 1.5 के पास आता है। जब एक से कम आता है दोनों गुणांकों का मूल्य, गुणक और त्वरक को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का मूल्य अगर एक से कम आता है तो वो स्थिति होती है चक्रहीन पथ। अगर दोनों का गुणांक एक के बराबर आता है तो वो होता है स्थिर विस्तार वाले चक्र, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, लेकिन जब 2 से भी ज़्यादा आ जाता है तो उसको हम कहते हैं चक्रहीन विस्फोटात्मक, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई 1.5 आ रहा है, इसलिए क्या आंसर हमारा हो जाएगा सही, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूजनबरी के अनुसार जब आय घटती हैं उपभोग समान दर से नहीं घटता है, तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, रेचट प्रभाव। नेक्स्ट है, एक आरेख चित्रण जो आय की असमानता की कोटि को दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है, आय की विषमता का जो अध्ययन है वो हम किसके द्वारा करते हैं, लॉरेंज वक्र के द्वारा। अपकिरण मापने की एक तरह से ये बिंदु रेखी विधि होती है।